तो भाई लोग 15 दिन से ऊपर हो चुका है, अपना विरोनिका जो है यहीं पर पड़ा हुआ है। और भाई अपना किस्मत क्या बोले, कल हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि आज हम लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए। तो कल जो मैं रांची जाने वाला हूँ, तो ये वाला ट्रिप जो है ये बाइक पे करने वाला था मैं। तो भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग, ओ भाई पहले ये अपना हुलिया जो है ना, इसको थोड़ा सा ठीक करवाना होगा। तो अभी 15 दिन से ऊपर हो चुका है, मैंने अपने दाढ़ी को शेव वेव नहीं करवाया क्योंकि भाई सैलून जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं तो पड़ा हुआ था बिस्तर पे। तो अभी अपने हेल्थ में काफी सुधार आया है, तो चलो भाई ये वाला जंगल जो है इसको हम साफ करके आते है। तो भाई लोग 15 दिन से ऊपर हो चुका है, अपना विरोनिका जो है यही पर पड़ा हुआ है। देखो इसमें कितना धूल बैठ गया है, पूरा गंदा हो चुका है ये, क्योंकि घर में जितना भी काम हुआ था भाई बहुत कचरा हुआ था, बहुत कचरा। तो कुछ दिन पहले भी यहाँ पे बहुत सारा अननेसेसरी सामान रखा हुआ था, जो कि बहुत सारा हमने फेंक दिया है और कुछ हमने शिफ्ट कर दिया है यहाँ वहाँ पे। अभी थोड़ा सा घर ना साफ सुथरा लग रहा है। चलो बाबा तुम्हें चलो 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 तुम्हें चुल कटे सुंदर करे चुल कटिए देबे ठीक আছে ভিড় দিয়ে तो अभी हो रहा था जोरों के बारिश, और बारिश थोड़ा सा रुका है अभी। तो देखो अपना विरोनिका का क्या हाल, ये पूरा भीग गया है अभी। अच्छा ही हुआ ये मेला हो गया था, बहुत धुल गया गला है, गुरुदेव गला याद करता है गला है। सो भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग, तो अपना हुलिया जो है ये अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है। मेरा बीवी तो मुझे बोल रहा है कि अब तुम इंसान जैसे लग रहे हो। तो आज मौसम का जो हाल है वो तो बहुत ही खराब है। अपने घर के सामने जो तालाब है ना, तो वो सुबह तक पूरा खाली था, तो इसका नीचे तक मिट्टी दिख रहा था। तो अब देखो पानी भर गया है, ये देखो चिड़िया पूरा पानी में भीग गया है। अरे पानी में क्यों भीग रहा है, बुखार होगा तेरे को। और भाई अपना किस्मत क्या बोले, कल हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि आज हम लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए, तो अपना माइंड जो है वो भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। तो कल तनोयदा ने मुझे को फोन किया था, बोला कि चलो भाई कहीं से घूम के आते हैं। तो पिछले महीने हम लोग एक कैफे पे गए थे टी ब्रेक नाम करके, तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि उस कैफे पे फिर से हम जाएंगे और वहाँ पे जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो वो सब तो आज होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मौसम का हाल है तो उसके हिसाब से हम जा नहीं पाएंगे अभी। कुछ देर पहले तेज हवा चल रहा था, तो उसके बाद बिजली चला गया है और अभी तक नहीं आया। तो पिछले कुछ दिनों तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो अभी आज वीडियो बनाने में ना बहुत दिक्कत हो रहा है बोलने में। तो ऐसा लग रहा है कि मैं काफी लंबे अरसे से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, और अपना डेली वीडियो का जो चैलेंज था यानी कि 100 डेज वाला चैलेंज, वो तो खत्म हो गया है, वो मैं कर नहीं पाया। करीबन 40 या फिर 42 वीडियोस में लगातार डाला, तो उसके बाद में तबीयत खराब होने के वजह से वीडियो में ठीक से नहीं डाल पाया, तो वो वाला चैलेंज जो है वो खत्म है। तो अभी देखो हमें और चैलेंज की जरूरत नहीं है। तो इतने दिनों तक वीडियो बनाते बनाते ना एक आदत सी हो गई है वीडियो बनाने का, तो अभी कोई चैलेंज मुझे नहीं चाहिए। चैलेंज मैंने इसलिए लिया था कि अपने आप को थोड़ा सा किक मिल सके, तो बहुत सारा किक मुझे को मिल गया। तो कल का दिन जो है ना वो मेरे लिए बहुत ही हिटेक वाला हो जाएगा अगर आज बिजली ना आए तो, क्योंकि कल मुझे निकलना है रांची के लिए। तो मेन दिक्कत ये हो जाएगा कि अपने लैपटॉप जो है, कुछ दिन पहले इसको फॉर्मेट किया था, तो उसके बाद ना इसमें फोटोशॉप प्रीमियर वगैरह ये सब कुछ भी लोड नहीं किया था, तो लैपटॉप में अगर प्रीमियर ही ना होगा तो हम एडिट कैसे करेंगे। तो कुछ देर पहले वही कर रहा था, फाइल कॉपी कर रहा था, करते करते लैपटॉप का बैटरी ख़त्म हो गया है। तो अभी वेट करना पड़ेगा कब बिजली आए, उसके बाद फिर से काम स्टार्ट हो। तो कल जो मैं रांची जाने वाला हूँ, तो ये वाला ट्रिप जो है ये बाइक पे करने वाला था मैं, पर अपने तबीयत खराब होने के वजह से वो वाला प्लान जो है उसको कैंसिल करना पड़ा। तो अभी हम जा रहे हैं बस से। तो रांची में मैं कहाँ कहाँ पे जाने वाला हूँ और कहाँ पे स्टे करने वाला हूँ, ये सब अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूंगा। तो इसलिए आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर लो, क्योंकि वही पर अपडेट सबसे पहले ही जाएगा। तो रांची में अगर अपने डीएस मोटो एडवेंचर के कोई फैमिली मेंबर है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ
मुलाकात कर सकूं। तो चलो अभी इंतजार करना पड़ेगा कि कब बिजली आए और हम अपने काम को निपटा ले, और अपना सामान वगैरह जो है ना उसको भी पैक करना होगा मेरे को। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे, एंड फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड गुड बाय।